हडीमा पुलिस ने दिया मानवता का परिचय। अज्ञात शव का किया अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि देश में फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां धूप और बारिश में हडीमा पुलिस रात दिन कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी हुई है, वहीं हडीमा पुलिस ने आज अज्ञात व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार कर मानवता का परिचय दिया है। दो दिन पूर्व हडीमा पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी जानकारी जुटाने पर भी पुलिस को मृतक के परिजनों की जानकारी नहीं मिली, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम कर कांस्टेबल अनिल भारती व कांस्टेबल नवीन खोलिया द्वारा अर्थी तैयार कर मृतक का अंतिम संस्कार किया। रैक धामी ने शुरू किया ग्रामों में सैनिटाइजेशन। आपको बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी अमले के साथ जनप्रतिनिधि व कई सामाजिक संगठन भी आगे आकर जागरूकता अभियान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आज हडीमा के यूपी सीमा पर बसे मजोला और हल्दी गांव में हडीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिटाइजेशन कराने का कार्य शुरू किया गया। साथ ही ग्रामों में विधायक धामी द्वारा मास्क और सैनिटाइजर स्थानीय जनता को वितरित किए गए। बाजार पुलिस ने कराया कर्फ्यू का पालन। आपको बता दें कि कोरोना की जब से दूसरी लहर चली है तब से ही हडीमा पुलिस व बाजार चौकी पुलिस द्वारा कर्फ्यू का लगातार पालन कराया जा रहा है। वहीं आज शाम भी बाजार चौकी इंचार्ज पंकज मेहर द्वारा हर आने जाने वालों से पूछताछ कर कर्फ्यू का पालन कराया गया। साथ ही अनावश्यक घूम रहे लोगों के बाजार पुलिस द्वारा चालान भी काटे गए। सर्राफा एसोसिएशन आई मदद के लिए आगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां हडीमा पुलिस गरीब व असहाय लोगों को राशन वितरित कर रही है, वहीं आज हडीमा सर्राफा एसोसिएशन द्वारा हडीमा कोतवाल नरेश चौहान को 10 राशन किट सौंपी गई, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, तेल, नमक एवं मसाले मौजूद थे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान हडीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां राज्य सरकार द्वारा देसी व विदेशी मदिरा की दुकानें बंद हैं, वहीं कुछ लोग शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर कंजाबाग रोड दूध डेयरी के पास अभियुक्त विनय गुप्ता उर्फ मोहित गुप्ता सन ऑफ राजेंद्र गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 8 थाने के पीछे हडीमा को 2 पेटी बैक पाइपर और 1 पेटी मैकडॉवल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने अभियुक्त की स्कूटी को भी सीज कर दिया है।